ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਗੁੱਡ ਪਲਾਂ। और भाई लोग क्या कर रहे हो, मॉडिफाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मॉडिफाई करो क्योंकि मॉडिफिकेशन जरूरी है। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं बाइक म्यूटर्स। आज आपको दिखाने वाला हूं ब्रीजा, वो देख लो, ये हमारी लास्ट ब्रीजा वाली वीडियो देख के आए हैं जो हमारे पास थी, जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पे सारा काम चल रहा है और काम दिखाता हूँ आपको एक एक करके। बाइक म्यूटर्स की न्यू वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं और सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। इसी के साथ डेली अपडेट रहने के लिए फॉलो करो इंस्टाग्राम पे। ये है जिसका काम चल रहा है, तो यहाँ पे डिस्कवरी वाली ग्रिल लेके आए हैं हम, ABS के अंदर होता है ये। फाइबर वाले मत लेना क्योंकि फाइबर वाले झटके नहीं झेल पाता, वो टूट जाता है। और ये जो है यहाँ पे पहले वाले फॉग लाइट के लिए जो लगे हुए थे, इसके अंदर वो वाले पैनल है। हम लेके आए हैं DRL वाले, जिसके अंदर आपके इंडिकेटर और DRL दोनों रहने वाले हैं। साथ में आपको चेक कराऊँ इसके अंदर जो हमने HID डाल रहे हैं, चेकआउट कराता हूँ कैसा लग रहा है। ये देखो, इसके पीछे आपको हीट के लिए ग्रिल मिल जाएगी और बैक साइड पे फ़ैन मिल जाएगा, जीवा की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और इसकी पावर वावर आपको चेकआउट कराता हूँ कितने पावर में है। सो, ये देख लो बॉक्स, और इसके अंदर भाई 65K का टेम्परेचर है, यानी कि लाइट जो है ऑलमोस्ट वाइट आने वाली है। इसके अंदर इनका वो नहीं बना हुआ जिसमें मैप में कलर शेड होता है, और 3800 लूमेंस की ब्राइटनेस है। सामने आप देख सकते हैं, आपको दिखाऊंगा जब गाड़ी में लग जाएगी। और 70 वोट के हैं ये, और यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी वाली ही सीटें देखने के लिए मिल जाती है गाड़ी के अंदर। और जितना काम है सारा कुछ आपको चेकआउट कराऊंगा। यहाँ पे स्टीरियो इन लोगों ने पहले से लगा रखा है, अब ये कंपनी फिटेड है या क्या है मैं आपको ओनर से बताता हूँ। आप ब्रीजा लेके आए हो तो कौन सा मॉडल है ब्रीजा का? ये अपना Z Plus। और ये जो आपका स्टीरियो है और ये सारी चीज़ें कंपनी फिटेड है? कंपनी फिटेड है। और ये सीट कवर भी कंपनी से लगाए थे आपने? चलो, ये सारे कंपनी का आपको एक ओवर भी दे दिया। और अलॉय व्हील्स के बारे में? ये भी कंपनी से, कंपनी से ही है। तो कंपनी वाले अलॉय व्हील का एक बार लुक चेकआउट कर लो कैसा है यहाँ पे गाड़ी में, बाद में तो आपको लास्ट में वॉक अराउंड में दिखाई दूंगा। और भी इसमें क्या क्या करने वाले हैं गाड़ी में भाई, जब रेडी हो गया देख लेना। चलो ठीक है। और क्या, आप कहाँ से आए हो? पंजाब से? पंजाब से। पंजाब में कहाँ से? हाँ, तो एक बार पंजाबी में बोल दो कि वीडियो को बठिंडा, एक बार पंजाबी में बोल दो कि वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। बठिंडा जिला जी, वीडियो नो लाइक करे तो सब्सक्राइब करे। देखते हैं, तो यहाँ पे स्कफ प्लेट डाली गई है लाइट वाले, जिसकी फिटिंग होगी बाद में। यहाँ पे रूफ रैपिंग का काम चल रहा है, इनके पास लगेज है काफ़ी सारा एज यू कैन सी। और इस साइड आ जाते हैं तो इस साइड अभी रैपिंग स्टार्ट नहीं हुई है। इसके अंदर जो रूफ रेल है वो कंपनी से डले हुए हैं, तो रूफ रेल कंपनी वाले में देखो भाई स्क्रू होते हैं, ताकि जो है वो काफ़ी अच्छा सपोर्ट ग्रैब ग्रिप पकड़ पकड़ोगे तो काफ़ी सही रहता है। जो आफ्टर मार्केट लगवाते हैं वो टेप से चिपकाए जाते हैं, तो उसमें जो है थोड़ा सा डिफरेंस देखने के लिए मिल जाता है। प्लस इसके अंदर ये वाला लास्ट पैनल डल रहा है, एक बार रूफ की क्वालिटी चेकआउट कर लो। ये हट जाएगी तो शाइनिंग वाली आपको एक मिल जाएगी, और अभी इस तरीके की है। और ये जो है यहाँ पे काम हो चुका है, तो यहाँ की भी एक बार चेकआउट कर लो। उतार सकते हैं भैया? उतार दिया ना, मैं पूरा मत उतार, पूरा नहीं उतार रहा, दिखा रहा हूँ थोड़ा सा। ये हमने ब्रीजा में लगाना है IPH वाले प्रोजेक्टर, चेकआउट कर लो एक बार, ये अंदर से चेकआउट कर लो कैसा लग रहा। और इसके अंदर भाई H8 वाली LED या HID यूज़ करने वाएंगे जो मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे जो जीवा की दिखाई है LED मैंने, वो ही डलने हैं इसके अंदर भी। इसके साथ इसकी थोड़ी सी फिटिंग मिल जाती है, और ये जो है टाइम के साथ पीले नहीं पड़ते, जैसे अदर होते हैं लोकल तो वो पीले पड़ जाते हैं, बट ये वाले जो है पीले नहीं पड़ेंगे आपके। एक बार बॉक्स देख लो, इसके अंदर हाई लो बीम, यहाँ पर ब्रीजा की साइड क्लाइडिंग डाल रहे हैं भैया। ये पूरी गाड़ी में डालेंगे कि टायर पे? पूरी गाड़ी पे ये साइड क्लाइडिंग जो है ब्रीजा वाले देते हैं, मतलब मारुति वाले देते हैं ब्रीजा के साथ टॉप मॉडल में, और ऑप्शनल में भी किट के अंदर मिलता है ये। और ये सारी टेप हट जाएगी, ये इसके ऊपर चिपकेगी, ये जो साइड क्लाइडिंग है इसके ऊपर लगती है। ये देख लो, बारिश शुरू हो गई है ना, बारिश हो रही है ना हल्की हल्की। ये देख लो, इससे एक हैवी SUV वाला लुक आ जाता है। वैसे भी ब्रीजा जो है एक मिनी टाइप SUV जैसी आप देख सकते हैं, तो इसमें एक SUV वाला लुक आ जाता है साइड क्लैडिंग हैवी डालने से। चेकआउट कर लो,
और ये वाला अलॉय कंपनी का ही था जैसा पता है हमको। थोड़ा सा प्लान में चेंज है, ऊपर की तरफ हमने एलईडी डाली है और नीचे की तरफ एलईडी डालने वाले थे पहले हम, तो प्रोजेक्टर के साथ एलईडी की जगह हम डाल रहे हैं एचआईडी हमारी। ये भी जीवा की है और एचआईडी देख लो, ये हट जाएगी इसकी कैप और अंदर वाली ट्यूब डलेगी प्रॉपर फुल पावर। और यहाँ पे जो है इसका सारा सिस्टम है, इसका रिले, इसका ब्लास्टर होगा नीचे की तरफ शायद, इसमें नीचे की तरफ, चलो उसको छोड़ देते हैं। बाकी ये देखो ऐसा ब्लास्टर होता है इसके अंदर और इसमें सारा वायरिंग डायग्राम मिल जाएगा आपको, यानी कि इस रेंज पर रहेगी कलर देख लो। तो बाकी तो मैं गाड़ी में आपको दिखाई दूंगा, जितनी ज़्यादा होती है उतनी ब्लू में चली जाती है, यानी कि ये 6000 टू 8000 केल्विन लेते हैं तो वाइट मिल जाएगी, बाकी जितनी कम लोगे उतनी पीली मिल जाएगी आपको, यानी कि रेडिश की तरफ। और यहाँ पे भी जो है 6000 केल्विन पे टिक हो रखा है, तो ये मैंने आपको बता दिया। बाकी पावर फिगर्स जो भी रहने वाले हैं वो मैं आपको गाड़ी में डलने के बाद दिखाता हूँ। सो भाई टाइम आ चुका है आपको एक वॉक अराउंड दूँ ब्रीजा का, और ब्रीजा के अंदर क्या क्या डाला आपने वीडियो में देखा ही है। जो मेन चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगा वो करूँगा जीवा की एलईडी के बारे में, तो चलते हैं वीडियो में, फटाफट आपको एक वॉक अराउंड देता हूँ। यहाँ पे आते हैं फ्रंट साइड पे, तो आप देख सकते हैं ये प्रोजेक्टर वाला वेरियंट है ZDI, और यहाँ पे हमने जीवा की एलईडी डाली है जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्की सी आप देख पा रहे होंगे, और इसके अंदर भी जीवा की एलईडी डली है, इसके अंदर जीवा की एचआईडी डली है जिसके पीछे है हमारा IPH का प्रोजेक्टर, और यहाँ पे जो है DRL है। DRL में आपको इंडिकेटर चेक कराता हूँ। सो एक बार इंडिकेटर चेक कर लो, ये इसकी टाइमिंग में थोड़ा सा चेंजेस, आई डोंट नो व्हाई, बट वहाँ पे देख सकते हैं कैसा लग रहा है। और अब चलते हैं इस तरफ, तो यहाँ पे हमने डाली है रेंज रोवर वाली ग्रिल जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये रेंज रोवर वाली ग्रिल हो गई। इसी के साथ यहाँ पर भी हमारे पास हमारी IPH का प्रोजेक्टर, HID प्लस इंडिकेटर, DRL, और साथ में यहाँ पे इंडिकेटर कंपनी वाले। इसकी ब्राइटनेस चेक कर लो कैसी, अंदर से लेवलिंग चेक कराऊंगा आपको। रूफ़ जो है ब्लैक रैप करी है हमने यहाँ पे, और चलते हैं इस तरफ, तो यहाँ पे जो है कंपनी वाले इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे हमने डाला हैंडल क्रोम, और यहाँ पे हमने IPOP के डोर गार्ड्स डाले हैं। नीचे की तरफ क्रोम वाली बिडिंग डाली गई है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये देखो, तो यहाँ पे आपको दिखा दिया मैंने। ऊपर की तरफ यहाँ पे डोर वाइज़र देखने के लिए मिलते हैं, डोर वाइज़र नॉन क्रोम के अंदर है ये वाले, और यहाँ पे जो है विंडो गार्निश डाली गई है, तो देख सकते हैं कैसी लग रही है। बाकी आपको अंदर ले जाके एक बार दिखाऊंगा, और उससे पहले आपको बैक साइड से दिखाता हूँ। बैक साइड से हमको ये वाली जो है लाइट देखने के लिए मिलती है जो कि ब्रेक लाइट है हमारी, और यहाँ पे भी नीचे जो डेमो रिफ्लेक्टर होते हैं उसकी जगह पे लाइट डाली गई है। ये नॉन इंडिकेटर है हमारे, और यहाँ पे जो ब्रीजा की लाइट आती है वही, और ब्रेक लाइट एक बार चेकआउट कर लो, भैया ब्रेक मारना, हाँ बढ़िया। और ये पंजाब नंबर गाड़ी है ऐसा बताया निलविया ने, और यहाँ पे देख सकते हो PB आ रहा है हमारे पास, भाई का भी लेंगे भी सब लेंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ, तो 70 मैट बिछा रहे हैं हमारे गोलू भैया, और यहाँ पे ब्रश है जिससे पहले क्लीनिंग करते हैं, वहाँ पे भी 70 मैट बिछाए हैं, एम्बिएंट लाइट डाला जैसा कि आपको यहाँ पे चेकआउट कराऊंगा। साथ में हमने यहाँ पे स्कफ प्लेट डाली है, एक बार दिखाना स्कफ प्लेट, देखने दो यहाँ पे स्कफ प्लेट डाली है, और बैक साइड पर भी दिखा दूँ। सो बैक साइड पर भी ये रही हमारी जिसके ऊपर पन्नी चढ़ी हुई है अभी, और पन्नी जो है वो उतर जाएगी अभी, उतार दे देंगे। हमने हर तरफ क्रोम हैंडल डाले हैं, साथ ही साथ स्कफ प्लेट, और ये जो फ्लोरिंग है इनकी मैं दिखाता हूँ, इन्होंने पंजाब से ये वाली फ्लोरिंग करा रखी है, मैंने पूछा कि कहाँ से करा रखी है आपने, सो फ्लोरिंग आपको एक बार ही दिखाऊँ, तो ये देखो ये फ्लोरिंग, अरे यार मैट पूरे पे आ चुका है। सो ये देखो ये फ्लोरिंग जो है ये सिलाई वाली कर रखी है, यहाँ पे करोल बाग में आपको डाई वाली मिल जाएगी, सो आई सजेस्ट कि डाई वाली लो, क्योंकि सिलाई के अंदर से अगेन जो है पानी लीक हो जाता है। यहाँ पे हमने स्विच लगा रखा है जो कि हमारा एम्बिएंट लाइट का है, इसको ऑन ऑफ़ कर सकते हैं यहाँ से इजीली, और साथ में इसके हमको रिमोट मिलता है जिसमें सारे कलर मिलते हैं हमको। सो वाइट चेक कर लेते हैं एक बार, वाइट हो गया और डिफरेंट कलर ग्रीन कर दिया वापस। सो ये है इसकी की जो कि कीलेस एंट्री है यहाँ पे हमारी, लाइट चेकआउट करा रहा हूँ रोड पे, वो देखो रोड पे भी कोई लाइट नहीं है, अभी हम फर्स्ट पॉइंट ऑन कर रहे हैं, सो फर्स्ट पॉइंट में ये लाइट है, मालिक सामने खड़ा है, हाँ पाजे की गाड़ी है। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट, ये हमारा थर्ड पॉइंट, और थर्ड पॉइंट में सारी चालू हो गई है लाइट हमारी, ये मैंने कर दिया लो बीम पे। अगेन आपको दिखाऊँ, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, और ये थर्ड पॉइंट, और ये हमारी हाई बीम रहने वाली है, सो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, चेकआउट कर सकते हैं ये गाड़ी के अंदर से। इनका इंटरव्यू सही भी है, पप्पू थोड़ा पानी भर दिया उस बोतल में, पप्पू भाई आपको चीज़ें मैंने चेकआउट करा दिया, कैसी लग रही है रोड के ऊपर,
और अब चलते हैं ओनरशिप रिव्यू की तरफ। और अपने जो भाई पंजाब से देख रहे हैं उनको कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज या कुछ? भाई आप बहुत अच्छा काम करते हैं भाई, मैं तो कहूँगा मेरे दोस्तों को। वीर जी बोलेंगे, पंजाबी में बोलो वीर जी। हाँ जी हाँ, तुम्हारा काम वो अच्छा लगा तो पंजाबी भैया को बोलेंगे हमारे साथी को भी सभी इधर आओ। ठीक है, वो अच्छा काम है, हमारे फिट है। तो आप अभी कहीं घूमने वूमने जा रहे हो या कैसी ना? हाँ घूमने जा रहे हैं आगरा। आगरा तो आपने सोचा दिल्ली से मॉडिफाई करा ले? हाँ जी पहले। तो आपको दिखा दूं भाई, काम हुआ डेफोरम कार एक्सेसरीज से, नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वहाँ निक्को भाई बैठे हैं, ये बिलिंग करते हैं, ये हमारे अनिल भाई हैं, अनिल भाई मैनेजमेंट करते हैं एक तरीके से सारी चीज़ों का। चलो भैया को लेट हो रहा है तो भैया को बाय बोलते हैं, तो भैया जा रहे हैं, हैप्पी जर्नी, और सबको बाय बोल देते हैं एक बार। थैंक यू भाई, ओके भाई। ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਪਲਾਨ, ਚਲੋ।